यदि आप अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाग्यशाली अवसर हो सकता है आपके लिए। जोधपुर के पंडित श्रीमाली जी द्वारा निर्मित अष्ट लक्ष्मी नव निधि कुबेर कलश प्राप्त करके आप अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कलश में आपको दीपावली पर स्थापित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादुका, दक्षिणावर्त शंख जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और दीपावली पूजन के लिए पारद लक्ष्मी कुबेर गणेश प्रतिमा, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर की महिलाओं के पूजन के लिए नाग केशर और पंच धातु की डिब्बी, रक्त गुंजा, गोमती चक्र जैसी दिव्य अनेक वस्तुएं मिलेंगी और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्री यंत्र पेंडल और ब्रेसलेट भी मिलेंगे। ये कलश आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 02912621625। नमस्कार, मैं हूं मोहित श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं मेरे नए एपिसोड में, मेरे चैनल खेल ग्रहों का में, अर्थात गेम ऑफ प्लैनेट्स में। पिछले कुछ समय से मैं अंक ज्योतिष अर्थात न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया है न्यूमरोलॉजी से राशिफल बताने का। इसी कड़ी में आज बारी है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की। सबसे पहले जिन व्यक्तियों का जन्म इस समय काल के बीच में हुआ है, उन्हें मेरी पूरी टीम और चैनल की तरफ से जन्मदिन की और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभ्यता का पहला मापदंड अंक है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, हो रहा है या होगा, उसे व्यक्त करने के लिए भाषा के बाद हमें अंकों का ही सहारा लेना पड़ता है। किसी भी परिणाम का प्रारंभ और अंत एक ही है, यद्यपि यह निश्चित है कि अंक विज्ञान विश्व का सर्वार्थ प्राचीन एवं उन्नत विज्ञान है, पर आज के युग में जिस गति से मानव के निकट आता जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अंक ही आज के मानव का सर्वाधिक विश्वस्त मित्र है। उसका सहचर है, सुख दुख का भागी है, सहायक है, पथ प्रदर्शक है और पूर्णतः सक्षम है। आपके जीवन का प्रत्येक वर्ष अंकों में आंका जाएगा। आप इस समय कितने वर्ष के हैं और अपने कब परीक्षा पास की, आपकी शादी कब हुई, आपकी नौकरी कब लगी, आपकी सैलरी क्या है, यह सब अंकों के माध्यम से ही व्यक्त होगा। आपके मकान की स्थिति क्या है, आप अंकों से ही व्यक्त करेंगे। आपकी मोटरसाइकिल या कार के भी अंक महत्वपूर्ण हैं। काफ़ी आपने देखा होगा लोग कुछ लकी नंबर की ही कार्स लेते हैं। आपके अंकों का टेलीफोन है, यानी जीवन के प्रत्येक कार्य का क्षण आधार अंक है। बिना अंकों का सहारा लिए आप अपनी बातचीत को पूर्णतः नहीं दे सकते। आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, अंक आपके साथ ही हैं और जीवन भर साथ ही रहेंगे। अंकों का एक विशेष क्रम है, उनकी गति सुनिश्चित है और उनका कार्य योजनाबद्ध है। इसका मूल आधार अंक है। 1 से 9 तक के अंक विशेष महत्व रखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंक का शोध सबसे पहले भारत में ही हुआ था और शून्य की खोज करके भारत ने गणित के क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया था, क्योंकि इस शून्य ने बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं से पिंड छुड़ा दिया और हम बड़ी संख्याओं को भी संक्षेप में लिख सके। भारतीय महर्षियों के अनुसार भी 1 से 9 तक के अंकों में विशेष विद्युत प्रवाह होता है और इनका जब भी उपयोग किया जाता है तब तक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर पैदा होती है, जो आसपास के वातावरण को भी अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक बना देती है। तो आइए बात करते हैं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य जन्मे जातकों की। कन्या का सूर्य प्रायः 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहता है। पंजाब और बंगाल में प्रायः अश्विन प्रतिपदा तिथि से अश्विन अमावस्या तक जो दिशा तारीखें काम में ली जाती है, उनमें से किसी दिन जन्म होने पर यह विवरण आपके लिए है। इस समय जो जातक पैदा होते हैं वह स्वयं अपनी योग्यता से उच्च पदों पर पहुंचते हैं, यानी आप अपने खुद के हार्डवर्क से जो भी आपकी पोजीशन है आप उस पोजीशन पे पहुंचेंगे। दैट इज स्टेप बाय स्टेप लैडर जो हम बोलते हैं, वो आप आराम से पार कर पाएंगे। इनकी नेचर में यानी आपके नेचर में न्यायप्रियता तथा दयाशीलता रहती है
और हर काम ठंडे दिमाग से विचार करके करते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है, इस कारण बुध के अच्छे गुण विचारशीलता, बुद्धिमता आदि इन जातकों में विशेष मात्रा में पाई जाती है। परंतु जैसा कि कन्या राशि का नाम है अर्थात स्त्री जातक यानी फेमिनाइन, इस राशि के अनुरूप गुण अर्थात नम्रता जैसा स्वभाव भी बहुत अधिक प्रभाव रखता है। शिक्षा में उन्नति तथा समाज में विशेष संपर्क आने में अधेड़ उम्र से लचीलेपन में कमी भी आती है, परंतु यह इनका नेचुरल गुण है। इन जातकों के तुरंत गुस्सा नहीं आता, परंतु गुस्सा आने पर शांत होने से समय बहुत लगता है। अच्छी यह बात है कि इनके गुस्से से किसी को नुकसान नहीं होता और इनके बिना बात के ही क्रोध का पश्चाताप भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प्राय आर्ट लवर्स होते हैं जो कि आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं और चित्र तथा कलाओं में विशेष प्रेम होता है और पसंद की छोटी छोटी चीज़ों के संग्रह में विशेष रुचि रहती है। अधिक पढ़े लिखे लोगों में दार्शनिक तथा वैज्ञानिक पाए जाते हैं। बचपन में शारीरिक चोट लगने का विशेष अंदेशा ज़रूर होता है। कैरियर के स्टार्टिंग में आर्थिक सफलता यानी कि फाइनेंशियल गेन्स नहीं मिलते, पर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप आराम से लैडर बाय लैडर आप चढ़ेंगे वो ज़रूर होगा। बहुत मेहनत और व्यक्तिगत योग्यता के कारण जो पैसा या हायर पोस्ट आप प्राप्त करेंगे उसको जल्द नुकसान भी संभावना हो सकती है। संबंधियों से कोई विशेष सहायता की आशा नहीं रखना। भाई बहन बहुत से होंगे परंतु उनसे सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी संतान की रक्षा में विशेष प्रश्नशील हो, क्योंकि इनकी ऊंची जगह से गिरकर या डूबने से या चौपाए जानवरों द्वारा हानि की संभावना रहती है। इन जातकों के प्रेम संबंध में बहुत सी बाधाएं आती है और इन बातों को लेकर संबंधी तथा मित्रों में या पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहेंगे। हो सकता है ऐसे व्यक्ति दूसरी शादी भी करें, दूसरे विवाह से इसका जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन भी लाएगा। विरासत में कोई विशेष संपत्ति नहीं प्राप्त होगी और यदि मिलती भी है तो बहुत मुकदमेबाजी के बाद। इससे ज़्यादा बेटर है जो आपका खुद का है वो ही संजो कर रखें। यात्राएं भाग्योदय में सहायक ज़रूर होंगी। यात्राएं विशेष करनी होगी और शायद विदेश भी जाना पड़ेगा। पहले के समय में शायद विदेश यात्रा को फ्रोन अपॉन किया जाता था, सोचा जाता था कि क्यों कोई विदेश जा रहा है, पर आज के समय में अगर कोई काम के लिए विदेश जाए तो उसे उल्टा हायर माना जाता है, एक स्टेटस सिंबल माना जाता है जब आप फॉरेन में जाके पढ़ते हैं या काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचार के होते हैं यानी कि रिलीजियस माइंड होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत परिश्रम के बाद पैसा कमाते हैं और जिस काम को करते हैं उसमें शारीरिक दुर्घटना की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लाभ की संभावना, मित्र थोड़े होते हैं पर उनसे विशेष लाभ की संभावना नहीं होती। कला जगत तथा व्यापारिक जगत के कुछ लोग ऐसे जातक से शत्रुता का भाव रखेंगे और नुकसान के कामों में पैसा लगवा कर आर्थिक नुकसान करवाएंगे। पेट, जिगर तथा पैरों की विशेष रक्षा करनी चाहिए आपको। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार ऐसे पुरुष अन्य स्त्रियों की ओर, इस समय पैदा होने वाली स्त्रियां अन्य पुरुषों की अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष गुण रखती हैं, लेकिन इनके स्वभाव में स्थिरता नहीं होती। वराहमिहिर के मत अनुसार जिनका जन्म इस समय होता है उन पुरुषों का शरीर स्त्री के शरीर के भांति कोमल व चिकना होता है यानी कि फ्रेजाइल, और ऐसे व्यक्ति चित्रकारी, कवि तथा गणित में विशेष चतुर होते हैं। सरावली की मत अनुसार देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति लज्जालु, मैधवी, गाने बजाने में निपुण, शालीन, मीठा बोलने वाले ज़रूर होते हैं। अंगूरी या काफूरी रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी अगले एपिसोड में मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा अक्टूबर में पैदा हुए व्यक्तियों के बारे में। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को शुभकामनाएं, आपके आने वाले समय मंगलमय हो। नमस्कार और जय हिंद। दर्शकों, ये कुंडली है और इसमें लिखे नंबर साधारण नहीं बल्कि ग्रहों का एक माया जाल है। इस माया जाल में आपका वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल छिपा है और साथ में छिपा है आपके जीवन के सुख दुख का रहस्य। आपके जीवन में आई सभी समस्याओं के जिम्मेदार ये 9 ग्रह ही हैं। आपके दुखों और कष्टों का कारण और निवारण आपकी कुंडली में ही छिपा है। जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन 9 ग्रहों की भाषा को समझता हो।
ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्व तंत्र ज्योतिष के संपादक पंडित कमल श्रीमाली जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और पंडित कमल श्रीमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता। भारत के इन शहरों में आप पंडित जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप भारत के किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो पंडित जी से मिलने का एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।